आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे अमरूद 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 जामफल जामफल भी बोलते हैं अमरूद जामफल की ऐसी टेस्टी सब्जी बनाएंगे कि आप उंगलियां नहीं प्लेट भी चाट चाट के खा जाएंगे। और इतनी टेस्टी बनती है, इतनी टेस्टी लगती है दोस्तों, एक बार जरूर बना के देखना मेरे तरीके से अमरूद की सब्जी। तो अमरूद आपको कैसे लेने हैं, इसलिए मैंने ये इतने सारे अमरूद लिए दिखाने के लिए। ये वाला अमरूद नहीं लेना है, बड़े साइज के अमरूद नहीं लेने, देसी अमरूद लेने आपको, देसी, क्योंकि अभी बड़े बड़े जो अमरूद आ रहे हैं ना, इनकी सब्जी मत बनाना, टेस्टी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनेगी। यहाँ पर हमारे पास है ये 700 ग्राम अमरूद, जिसमें हमें 9 अमरूद चढ़े हैं। और अमरूद कैसे लेने, अमरूद ऐसे लेने कि बिल्कुल एकदम मुलायम नहीं होने चाहिए, ना मुलायम होने चाहिए और ना एकदम कच्चे होने चाहिए। 20 साइज के जो अमरूद है वो लेने हैं, छोटे साइज के अमरूद लेने। और क्या करना है, अमरूद जैसे लाए थे वैसे ही है, तो क्या करते हैं, अरे आ जाता है फिर बारी किसकी, वही पानी सबकी जिंदगानी, इसके बिना नहीं किसी की कहानी, धो लेते थोड़ा सा। अब देखिए ये अमरूद है ना एकदम फ्रेश है दोस्तों, इनका छिलका दागीला नहीं है। अब दागीला हो, थोड़ा सा गंदा सा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे इस टाइप का हो तो उसको छील सकते हैं। मैं बिना छीले बनाऊंगा, तो बस हल्का सा धो लेते हैं हम इन्हें रगड़ के। ये देखिए यहाँ पर रख देते हैं रगड़ के, क्या बात है, ओहो आज तो मेरी फेवरेट है दोस्तों अमरूद की सब्जी। पानी हटा देते हैं अब, और अब आ जाती है बारी चाकू महाराज की। तो चाकू महाराज से क्या करना पड़ेगा, पहले साफ कर ले, थोड़ा गंदा हो रहा है चाकू दोस्तों, साफ कर लिया चाकू को। और अब क्या करना है, अमरूद को लेना है और यहाँ से काट देना है, यहाँ से काट देना है और यहाँ से काट देना है। एक तो इस तरीके से साफ कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से काट दें, यहाँ से काटने के बाद में यहाँ से काट दें ऐसे, तो इससे थोड़ा सा वेस्टेज कम होगी। ये देखिए इसमें वेस्टेज ज़्यादा है, देखिए यहाँ पर, और इसमें वेस्टेज बिल्कुल ना के बराबर है। ये हल्का सा ये रह गया, इसे भी काट देते हैं। चलिए फटाफट कर लेते हैं अमरूदों को कटिंग, क्या बहुत ही इनको देख के ही मुंह में पानी आ रहा, सब्जी तो और ही मज़ेदार बनने वाली है, क्या बात है, एक नंबर ये बात। एक भी अमरूद लाल नहीं निकला यार दोस्तों, और वो जो मैंने लिए थे ना बड़े वाले, वो सारे लाल ही निकलते हैं। चलिए यहाँ से तो हम इसको काट लिए हैं, अब इसके आउट साइड को साफ कर देते हैं यहां से। ये देखिए मजेदार सब्जी की रेसिपी बनने वाली है आज अमरूद की, और मजा ही आने वाला है आज तो। ये देखिए भाई हट जा भाई, ये देखिए, तो ये अमरूद हो गए हमारे, ये रह गया, ये रह गया, ये भी रह गया अभी दो, ये भी रह गया, ये भी रह गया अभी दो। ये देखिए फटाफट देखिए निकाल लेते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया। अब इसको काटना बाकी रह गया है, इसको भी ऐसे काट देते हैं हम बीच में से। काटने के बाद क्या करना है, इसको काटना है सिर्फ पतला पतला ऐसे, पतला पतला काट लेंगे। ये देखिए शाबाश, क्या बात है, टेस्टी नहीं बने ना दोस्तों, तो बता देना आप, मजा आने वाला है शानदार वाला। ये देखिए फटाफट काट लेते हैं अमरूदों को, क्या बात है, मजा आने वाला आज तो। देखिए ज्यादा टाइट ले लेंगे तो क्या होगा, कटने में दिक्कत होगी, और ज़्यादा मुलायम लेंगे तो वो घुल जाएंगे, तो ऐसा करना नहीं है आपको, मीडियम ही लेने,
हल्का सा प्रेशर लगेगा बस काटने में। ये देखिए इस तरीके से कट जाएंगे। ज़्यादा टाइट ले लेंगे आप, अमरूद कच्चा ले लेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा और उसमें मज़ा भी नहीं आएगा। ये देखिए ये देखिए 10 जनों के लिए काफ़ी है दोस्तों, 10 जने आराम से खाएंगे। और थोड़ी सी अचारी फ्लेवर होता है तो पूरी के साथ खाने में ज़्यादा और टेस्टी लगेंगे। ये पूड़ी या पराठे, पराठों के साथ पूड़ी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, बहुत ही शानदार लगेंगे। क्योंकि अमरूद खट्टा सा होता है और थोड़ा हल्का मीठा भी होता है। और एक सामग्री डालेंगे दोस्तों लास्ट में, वो तो स्वाद और फ्लेवर बढ़ा देगी, इसके हज़ार गुना स्वाद कर देगी, सच बता रहा हूँ दोस्तों आपको। ये देखिए काटने के बाद में क्या करना है, हमें इसके ये बीज निकाल लेने, ये बीज निकाल देने, ये दांत में फंसेंगे। ये देखिए ये पार्ट लेना हमें, ये देखिए इस तरीके से बीज निकाल देंगे, एक भी बीज नहीं रहना चाहिए, बीज पूरे निकाल दें। ये देखिए और बीज, ये जो उसके बीज होते हैं ना, ये गुर्दों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, गुर्दों को मजबूत करते हैं। तो ये आप, और इसके कहा जाता है कि इसके बीज को चबाना नहीं। और मेरी माता राम बोलती है, नींबू कहता अगर मेरे में बीज नहीं होते तो मरे हुए को जिंदा कर देता, और अमरूद कहता है मेरे में बीज नहीं होते तो मैं आदमी को मार देता। किस किसने ये सुना है फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। ये कहा जाता है अगर नींबू के अंदर बीज नहीं होते तो वो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता, और अमरूद के लिए कहा जाता है अगर इसमें बीज नहीं होता तो ये मार देता, मतलब कहानी खत्म कर देता। तो चलिए इसी तरीके से फटाफट, थोड़ा टाइम लगेगा, बीज निकाल लेते हैं, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। अमरूद की सब्जी बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए इतनी सारी सामग्री चटपटी मसालेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें चाहिए टमाटर, 2 बड़े साइज के टमाटर, बीज छिलका निकालकर पेस्ट बना लिया मिक्सी के अंदर। यहाँ पर 3 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच राई, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च, और यहाँ पर हींग चाहिए 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, हल्दी चाहिए 1 छोटा चम्मच 8 से 10 पिंच, और इतना बड़ा चम्मच चाहिए हमें धनिया पाउडर, और ये जान है इसकी सौंफ चाहिए हमें आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई। उसके बाद हमें यहाँ नमक चाहिए स्वाद अनुसार, आप अपने अनुसार ले सकते हैं। और नमक ये है काला नमक, ये चटकारे के लिए डालेंगे, इससे और स्वाद और फ्लेवर बढ़ जाएंगे। कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे यहाँ पर 1 काफ़ी बड़ा चम्मच, तीखी वाली लाल मिर्च आधा चम्मच, और यहाँ लेंगे 20 काजू जिसके हमने टुकड़ी बना ली है। और यहाँ पर हमने चढ़ा दिए सुंदर और सुशील वाली कढ़ाई, और आपको बताना भूल गया, ये देखिए अमरूद साफ हो गए और ये निकल गए हैं। तो इनको आप खा लें या कुछ और बना लें, पर इनके बीज चबाने नहीं है। कढ़ाई को होने देते हैं गरम, कढ़ाई गरम होते ही डाल देंगे इसमें 5 चम्मच तेल, और 2 ऑयली वाले 1 बूंद डाल सकते हैं, मेयोनीज डाल सकते हैं, और उनकी मर्जी हो तो पानी में भी बना सकते हैं। और मसालेदार खानी है, चटपटी खानी है तो 1 चम्मच और बढ़ा दें। तेल को होने देते हैं गरम। ये देखिए दोस्तों तेल हो गया गरम, और मैं आपको बताना भूल गया, ये इसके अंदर एक सीक्रेट सामग्री, ये डाल दोगे तो मजा ही आ जाएगा। तेल गरम होते ही सबसे पहले हमको डाल देना है इसमें राई, ये गई राई, राई के साथ ही डाल देना है जीरा, हल्का सा तड़का लगने देंगे, जलाना नहीं है दोनों में से किसी भी चीज को, हल्का सा तड़का लगने देंगे बस। ये देखिए हल्का सा तड़का लग गया, हल्का सा तड़का लगते ही डाल देंगे हरी मिर्ची, हरी मिर्ची के साथ डाल देंगे अदरक कद्दूकस किया हुआ, और डाल देंगे हींग, यहां पर अभी इतनी है ना इसकी आधी डालेंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, थोड़ा सा स्टर करेंगे, और अब यहां पे सौंफ डाल देंगे, गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर। अब सीधा डाल देंगे इसके अंदर अमरूद, और पहले 1 मिनट इसे चलाएंगे,
अब गैस करेंगे हाई फ्लेम पर, अब 2 मिनट हाई फ्लेम पे चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद में क्या करना है, इसमें हमें डालना है काला नमक, तो इतना काला नमक डाल देंगे एक छोटा चम्मच के आसपास। 8 से 10 मिनट पहले सी सॉल्ट यहाँ डालेंगे और बाद में और डालेगा। उसके बाद में हल्दी भी यही डाल देंगे एक छोटा चम्मच, और अब मिला लेंगे। अब चला लेते हैं इसे 2 मिनट। ये देखिए हाई फ्लेम पे 2 मिनट चला लिया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पानी, कितना, 1/2 कप पानी डाल देंगे। तो थोड़ा सा इसको हम चला लेंगे और चलाने के बाद बीच में सेट करेंगे, और इसमें डाल देंगे काजू की टुकड़ी। ये तो मजा ही बढ़ा देगी। ये ऐसे डाल देंगे, गैस को कर देंगे लो फ्लेम पर और 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर ढककर रख देंगे। दोस्तों पूरे 5 मिनट हो गए हैं मीडियम लो फ्लेम पर रखे हुए, यानी लो फ्लेम पर, सॉरी। गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर, और हाई फ्लेम पर थोड़ा सा और चलाएंगे, कितना, 30 से 40 सेकंड बस, ज़्यादा नहीं चलाना। चला लिया, गैस को वापस लो फ्लेम पे करते हैं और अब इसको निकाल लेते हैं। यहां पर ये लीजिए निकाल लिया, गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं, हाई फ्लेम पे करके चलाते हैं थोड़ा सा। आप चाहे तो तेल और डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालने वाला हूँ, बस थोड़ा सा चलाएंगे। जैसे फिर क्या करना है, टमाटर का पेस्ट डाल देना है डायरेक्टली, और चलाना है हल्का सा, ऐसे मिला दे। अब इसमें डाल देंगे हम तीखी वाली लाल मिर्च 1/2 चम्मच नॉर्मल वाली, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, तीखी नहीं होती 5% होती है। काला नमक हम जितना डालना था उतना डाल चुके हैं, सी सॉल्ट हमने कम डाला है तो अब इतना सी सॉल्ट डाल देंगे, यानी नॉर्मल वाला नमक, आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर थोड़ा सा और लेंगे, और जो हींग के लिए बता ना, हींग बचाई थी हमने, वो हींग डाल देंगे यहाँ पे, और अब मिला लेंगे। गैस देखिए यहाँ पे हाई फ्लेम पर ही है, हाई फ्लेम पे अच्छे से चला लेंगे। अब देखिए तेल नहीं छोड़ रही है ना ग्रेवी, तो क्या करना है, गैस को मीडियम लो फ्लेम पे या लो फ्लेम पे करके 1 मिनट के लिए ढककर रख दो, देखना कैसे तेल छोड़ेगी। यह देखिए 1 मिनट हो गया, छोड़ दिया ना सारा तेल, छोड़ दिया, मिला लेते हैं, चिपकी भी नहीं है, सारा तेल छोड़ दिया। ये काम करना है आपको तभी मजा आएगा। अब क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है, ये अमरूद डाल देने। अब इस अमरूद देखिए इसमें काफी है, तो इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, करीब 1/2 कप पानी डाल के, और मिला के, पानी अभी नहीं डालेंगे, पहले इसको मिलाएंगे। अभी पानी डाल दोगे तो मजा खराब हो जाएगा। ये मिला लिया, अब क्या करना है, अब दोस्तों बारी आती है सीक्रेट सामग्री की, ये रही, ये देखिए यहाँ पर हमने 20 ग्राम गुड़ लिया है, 20 से 30 ग्राम जिसे हल्के से फोड़ लिया हमने, देसी गुड़ है ये। आप शक्कर डालें तो 2 चम्मच शक्कर भी डाल सकते हैं,
ये खट्टा मीठा और एकदम मस्त फ्लेवर कर देंगे, ये डाल देंगे, मतलब गुड़ डाल देंगे हम तो, आप चीनी भी डाल सकते हैं। 20 से 30 ग्राम से ज़्यादा नहीं डालें, गुड़ को मीठी मीठी लगेगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये लीजिए गुड़ गया, गुड़ को मिला लेते हैं। ये लीजिए मिला लिया गुड़ को। अब काली मिर्च पाउडर और चाट मसाला और मिला लेते हैं। गैस को करते हैं हाई फ्लेम पर 30 से 40 सेकंड चलाते हैं। मसाले जब तक हल्के से पकेंगे नहीं ना, तो वो अपने जो इनका एक जो खुशबू होती है वो नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये अपना तेल भी छोड़ते हैं मसाले, वो भी नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, अब आपको ऐसे खानी है तो आप पानी स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो डालना पड़ेगा, तो यहाँ डाल देते हैं पानी। क्योंकि पानी वैसे भी इसमें अभी सीज जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये लीजिए, हल्की सी झोलदार होनी चाहिए तभी मज़ा आएगा। अब लीजिए, ज़्यादा झोलदार हो गई क्या? नहीं, ज़्यादा नहीं हुई। अब क्या करेंगे, गैस को करेंगे वापस से लो फ्लेम पर और 5 मिनट दिए वापस ढक कर रख देंगे। दोस्तों लो फ्लेम पर बिल्कुल 5 मिनट हो गए पूरे हमारे, हटा लेते हैं ढक्कन और गैस को हाई फ्लेम पे करते हैं। अब हाई फ्लेम पर 2 मिनट और हमें चलाना है और थोड़ी देर आप इसको ढक के रख देंगे। ये पानी लग रहा है ना आपको कि बहुत ज़्यादा पानी है, ये कम हो जाएगा और वैसे भी थोड़ा झोल नहीं होता ना, मज़ा नहीं आता। क्या बात है, अब डाल देंगे इसके अंदर हम 50 ग्राम बारीक कटा हुआ धनिया। क्या बात, कलर देखो दोस्तों, मजा आ गया, मुंह में आ गया पानी। आप क्या है क्या, अमरूद तो ऐसे भी कटता है तो भी मुंह में पानी आता है, नींबू कटता है तो मुंह में पानी आता है, केरी कटती है तो, कच्चा आम कटता है तो मुंह में पानी आता है। चलिए मिला लेते दोस्तों। ये देखिए तो फ्रेंड्स, दोस्तों हमारी अमरूद की सब्जी बनकर तैयार है। रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी बटन दबा के ऑल ऑर्डर में सेलेक्ट करें। ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए मेरे चैनल पर भी काफ़ी रेसिपी है, उन्हें देखिए, बनाइए, खिलाइए और तारीफ पाइए, क्योंकि जो मज़ा खिलाने का है वो खाने का नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज जो बनाई है अमरूद की सब्जी की रेसिपी, मस्त उसे खाकर खत्म करते हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हैं।